हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, सिर्फ एक सेटिंग को चेंज करके आप अपने चैनल की ग्रोथ आराम से बढ़ा सकते हैं। और वो सेटिंग कौन सी है? वो है चैनल कैटेगरी। जी हाँ, चैनल कैटेगरी। अगर आप अपने YouTube को सही कैटेगरी में डालते हैं तो जो YouTube है वो आपकी वीडियोस को उन्हीं लोगों को रिकमेंड करेगा जो आपके जैसे कॉन्टेंट को देखने में इंटरेस्टेड हैं। इससे ओवरऑल आपके चैनल पर उनकी एंगेजमेंट बढ़ेगी और आपके जो ग्रोथ है वो जल्दी बढ़ेगी, आपके सब्सक्राइबर्स भी उसके से जल्दी बढ़ेंगे। तो चैनल कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करते हैं, इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो YouTube पॉलिसी के हिसाब से YouTube हमें 15 अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड करता है। और अगर आप अपने चैनल को सही कैटेगरी में नहीं डाला तो उससे क्या होगा, वो ग्रोथ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका कुकिंग का चैनल है और आपने उसे एंटरटेनमेंट या फनी में कॉमेडी में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, जो YouTube आपकी वीडियोस को उन लोगों को रिकमेंड करेगा जो एंटरटेनमेंट या कॉमेडी को देखने में इंटरेस्टेड हैं। और आपकी वीडियो जब उनके पास रिकमेंड होगी तो वो उन्हें देखेंगे नहीं। उससे क्या होगा, अगर आपकी चैनल की ग्रोथ जो है वो गिर जाएगी बिल्कुल, और आपका चैनल जो है उससे ग्रो नहीं हो पाएगा। तो हम अपने चैनल के लिए सही कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करें, आइए हम जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमारी कैटेगरी जो आती है वो है कार्स एंड व्हीकल्स, जो आप नाम से ही जान सकते हैं। कार्स एंड व्हीकल कैटेगरी क्या है, अगर आप ये ऑटोमोबाइल के ऊपर आपका चैनल है, आप ऑटोमोबाइल के बारे में यू लोगों को बताते हैं, कार्स और इन सब के बारे में वीडियोस बनाते हैं, आप गाड़ी का रिव्यू करते हैं या ऑटोमोबाइल के बारे में कुछ भी बताते हैं आप, तो ये जो है ये कैटेगरी आपकी आती है कार्स एंड व्हीकल्स कैटेगरी में। दूसरा आता है हमारा कॉमेडी। अब जो कॉमेडी नाम से कॉमेडी है, अगर आपका जो कॉन्टेंट है वो फ़नी है, आपके कॉन्टेंट को देख के लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो आप लोग हंसा रहे हैं, तो उस कंटेंट में इस क्या नाम है कैटेगरी में कॉमेडी कैटेगरी जो है आपके चैनल की स्टेबल है। आप जब ऐसा चैनल लाएँ तो कॉमेडी में उसको डालिए। आप जैसे देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे मेरे साथ के जो एडिटिंग में भी आपको ये वीडियोस जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब कॉमेडी कैटेगरी के वीडियोज़ हैं। तीसरा जो आता है वो एंटरटेनमेंट। अब इसमें जो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, जो कॉमेडी कैटेगरी है एंटरटेनमेंट कैटेगरी क्या ये सिमिलर है, तो एंटरटेनमेंट एक अलग चीज़ है, कॉमेडी एक अलग चीज़ है। एंटरटेनमेंट जैसे एंटरटेनमेंट जो है वो लोगों को किससे एंटरटेन करना, एंटरटेन हम किसी भी तरह लोगों को कर सकते हैं। आपका डांस से कर सकते हैं, डांस एंटरटेन कर रहे हैं आप, लोगों को म्यूज़िक से एंटरटेन कर रहे हैं, आप कोई शो दिखा रहे हैं उससे एंटरटेन हो रहे हैं लोग, तो एंटरटेनमेंट भी एक अलग कैटेगरी है। ये कॉमेडी और एंटरटेनमेंट सेम नहीं है, लोगों को इसमें अक्सर में कन्फ्यूज़न होता है इसमें। अब जो पाँचवीं कैटेगरी है वो है फिल्म एंड एनिमेशन। ये नाम से ही फिल्म, अगर आप फिल्म्स के ऊपर बता रहे हैं, फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं, या आप एनिमेशन वीडियोस बता रहे हैं, एनिमे के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, एनिमे का रिव्यू कर रहे हैं, एनिमेशन व्यूज बना, स्टॉप मोशन वीडियोस बनाते हैं, तो ये जो सारी आता है वो ये आता है फिल्म एंड एनिमेशन कैटेगरीज में आता है। अब जो छठा हमारा है वो है गेमिंग। नाम से ही देखिए, जो लोग गेम खेलते हैं, गेमिंग का रिव्यू करते हैं, गेम प्ले दिखाते हैं, ये सब जो है वो गेमिंग कैटेगरी में आता है। अगर आपका गेमिंग का चैनल, तो आप सिंपली बस इसमें आपको देखना नहीं है, आपको गेमिंग के कैटेगरीज में आपको अपने यूट्यूब चैनल को डाल देना है। इससे बस ये है कि आप जो लोग गेमिंग से इंटरेस्टेड है उसकी आपकी वीडियोस जो उन लोगों को रिकमेंड होगी। अब जो सातवां आता है वो है हमारा हाउ टू एंड स्टाइल। ये कैटेगरी सुनने में तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बहुत आसान है। कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या कोई चीज़ कैसे करनी है, हाउ टू क्लीन योर रूम, हाउ टू टाई, या हाउ टू कुक, हाउ टू मेक रोटी, जितने भी हाउ टू जैसे वाले हैं, जैसे मैंने कुकिंग का जो मेन कुकिंग कैटेगरी इसी में आती है हाउ टू एंड स्टाइल में, क्योंकि इसमें आप लोगों को सिखा रहे हैं कि कोई चीज़ कैसे बनाएं, तो हाउ टू एंड स्टाइल में यही सारी कैटेगरी आती हैं। इसमें सिंपल इसका मतलब यही है कि जिस वीडियोज़ में आप बता रहे हैं कि लोग ये काम कैसे करें, तो यही ये जैसे सारी कुकिंग कैटेगरी जो है, कुकिंग की जो वीडियोज़ है हाउ टू एंड स्टाइल में कैटेगरी इसमें आती है। अब आठवां हमारा आता है म्यूज़िक। म्यूज़िक बहुत सिंपल है, म्यूज़िक अगर आप म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो आपकी सारी वीडियोस जो है वो आपको चैनल म्यूज़िक की कैटेगरी में डालना है। आप गिटार बजाते हैं, आप पियानो बजाते हैं, आप कोई या फिर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा भी रहे हैं, तो ये सब जो है ये सब हमारी म्यूज़िक कैटेगरी में आएंगी। नवा जो ऑप्शन नाइन्थ जो है वो हमारा न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। अगर आप अपना अगर आप न्यूज़ के बारे में न्यूज़ बता रहे हैं, आप करंट अफेयर्स बता रहे हैं, आप जितनी भी ताज़ा खबरें हैं वो अपने चैनल पर डाल रहे हैं, तो वो सारी जो हैं इस कैटेगरी में आएगी न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स के बारे में। जितना पॉलिटिकल इशू हमारे बीच चल रहा है तो इन सब जो है इसी कैटेगरी में आएगी। टेंथ जो है हमारा वो है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप कोई ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप कोई अपना ओपिनियन दे रहे हैं, या फिर आप एक्टिविस्ट हैं, आप अपनी राय दे रही हैं, लेकिन उससे आप कोई भी पैसा जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका कोई पैसा नहीं ले रहे हैं पब्लिक से, आप जो ये आप एग्जांपल के लिए ध्रुव राठी यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं,
उनका भी कुछ ऐसे ही चैनल है, इनके भी कैटेगरी इसी में आती है, नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिव। जैसे मैंने एग्जांपल ध्रुव राठी का, वो यूट्यूब से तो अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो अपनी वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे हमारी तरफ से तो उनके लिए कोई पैसा नहीं जा रहा है, वो हमसे कोई पैसा तो नहीं मांग रहे हैं। तो ये जो इस टाइप की जो वीडियोज़ होती हैं जिसमें अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, ये जो आती है ये इसी में आती है, ये जिसमें क्या नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म में। अब जो हमारा 11th जो ऑप्शन ये कैटेगरी है वो है पीपल एंड ब्लॉग्स। ये जो है अब सिंपली जो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है लोगों को, कि वो जो व्लॉग्स बनाते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, वो भी इसमें अपनी कैटेगरी डाल देते हैं पीपल ऑफ ब्लॉग्स वाले में। देखिए, आप कोई ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिससे आप अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये जो कैटेगरी इस टाइप की जो वीडियोज़ होती हैं वो इसी में आती है। जो जैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, संदीप महेश्वरी है, और उन टाइप की आप वीडियोज़ बनाते हैं, तो ये जो है इस कैटेगरी में आता है, ये पीपल एंड ब्लॉग्स में। और देखिए, ब्लॉग्स भी दो टाइप के होते हैं, एक डेली बेसिस वाला व्लॉग होता है जो फैमिली और फन के साथ जो व्लॉग होता है, जो डेली बेसिस पर होता है, जो फैमिली के साथ रोज़ का व्लॉग होता है, उसमें आप कुछ एडवेंचर्स नहीं कर रहे, बस अपना डेली बेसिस का जो काम है वो दिखा रहे हैं, आप फनी व्लॉग बनाते हैं। और दूसरा व्लॉग दो टाइप के होते हैं, एक व्लॉग ये हो गया, और दूसरे में आप वीडियो के आगे मैं आपको बताता हूँ। जो इस टाइप के व्लॉग होते हैं, जो डेली बेसिस पे व्लॉग्स होते हैं, जैसे आप सौरभ जोशी व्लॉग बहुत ही पॉपुलर, सौरभ जोशी व्लॉग्स हो गया, और लाइक फ्लाइंग बीस्ट का जो व्लॉग्स हो गया, ये डेली बेसिस पे व्लॉग्स हैं, वो रोज़ व्लॉग्स डालते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ये पीपल ब्लॉग्स वाली कैटेगरी में ये वाले व्लॉग आएंगे जो डेली बेसिस पे व्लॉग्स डालते हैं, ये फन वाले व्लॉग्स हैं। अब 12th कैटेगरी क्या है हमारी, कैटेगरी आती है पेट्स एंड एनिमल्स का। ये तो नाम से बचल गया, अगर आप जानवरों के बारे में बताते हैं, पेट्स के बारे में बताते हैं, आप डॉग्स कैट्स के बारे में बताते हैं, उनका क्या नाम है, ब्रीडिंग फीडिंग से लेके टोटल जितना पेट्स रिलेटेड आप चीज़ें बताते हैं, उनको पालना कैसे है, उनको सब कैसे करना है, तो ये जो आपकी वीडियोज़ कैटेगरी है ये सिंपली बस इसमें पेट्स एंड एनिमल्स वाले में आती है। अब हमारा जो आपका है वो है 13th साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो इसमें आप नाम से बचे, अगर आप साइंस के बारे में बता रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, साइंस रिलेटेड कोई चीज़ बता रहे हैं, अब जैसे ही सबसे इंडिया का बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है मिस्टर इंडियन हैकर, उनकी जितनी वीडियोस थे उनमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये जो वीडियोज़ हैं, और क्रेजी XYZ जो यूट्यूब चैनल है, ये सब इसी कैटेगरी में आता है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में जितनी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट है सब जो है सब इसी कैटेगरी में आता है। अब हमारा जो 14th दादा वो है स्पोर्ट्स। अगर आप किसी तरह का स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप ट्यूटोरियल देते हैं कि ये वाला स्पोर्ट्स के बारे में आप रिव्यू करते हैं, तो जितने भी है ये सब स्पोर्ट्स के कैटेगरी में आता है। अब जो लास्ट हमारा जो है वो है ट्रैवल्स एंड इवेंट्स में। अब जो मैंने आपको पहले बताया था व्लॉग्स के बारे में, व्लॉग्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जो डेली बेसिस फैमिली फन वाला जो होता है, और दूसरा होता है जब आप किसी पर्टिकुलर इवेंट में जाते हैं या पर्टिकुलर किसी जगह पे जाते हैं स्पेशली व्लॉग करने। आप शिमला चले गए या मनाली चले गए, उस जगह पे आपने एक व्लॉग बना लिया, आप किसी इवेंट में गए, स्पेशली उस इवेंट में आप गए वहाँ जाके व्लॉग बना लिया, तो वो व्लॉग का टाइप जो है अलग होता है। इसी में इस कैटेगरी में ट्रैवल और व्लॉग ट्रैवल और इवेंट वाले कैटेगरी में ये वाले व्लॉग्स आते हैं, जिसमें आप सिर्फ स्पेसिफिक व्लॉग के लिए उस जगह पे जाते हैं, उस इवेंट में जाते हैं, तो ये इस कैटेगरी में यही आता है ट्रैवल और इवेंट में इस टाइप के ब्लॉग्स। तो यही थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अगली वीडियो किस पर आनी है वो कमेंट सेक्शन में बता दिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।